हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट्स एंड किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस स्नैक रेसिपी। इवनिंग टाइम स्नैक में आप लोग बनाकर खा सकते हैं, एकदम झटपट बनकर रेडी हो जाती है और सभी को आपको ये पसंद आएगी घर में। और ये यूनिक प्रकार की राइस की रेसिपी है, जैसे हम लोग मेंदू वड़ा बनाते हैं उसी शेप में है ये, बट मेंदू वड़ा की प्रोसेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, उसे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और ये हमने राइस वड़े जो बनाए हैं वो एकदम सिंपल 15 मिनट्स के अंदर बनकर रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए अब इसकी मेकिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइस वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कटोरी राइस लिया है, वैसे ही दूसरे कटोरी में सेम मेजरमेंट में यहाँ पर एक कटोरी रवा लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज कटी हुई ली है, या फिर हमने जिंजर बारीक किसा हुआ लिया है ग्रेट करके, और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स। हमने कढ़ाई में पानी उबालने के लिए रखा है, ये हमने 2 कप पानी लिया है, जिस कप में हमने पहले रवा मेजरमेंट किया था उसी कप में हमने दो पानी कप यहाँ पर उबालने के लिए रखना है। तो इसमें हम लोग अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसके बाद इसमें हमने ग्रीन चिलीज ऐड करनी है, और बाद में जो हमने बारीक किसा हुआ जिंजर ऐड करना है। तो अब ये उबलते पानी में हमने रवा ऐड करना है, और ये अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, और बाद में इसी में हमने राइस फ्लोर ऐड करना है। अच्छी तरह से अभी हम लोग इसका मिक्सचर बनाएंगे, पूरा जो रवा और राइस फ्लोर डाला है वो एक करना है हमें पानी में मिलाकर। अब ये पूरा मिक्सचर हमें अभी ढककर रखना है लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद हमने ये ढक्कन ओपन करना है, और जो हमने गैस लो फ्लेम पर किया था उसे ऑफ करना है, और ये थोड़ा सा अभी मिक्स करेंगे। और ये मिक्स करने के बाद हम इसे अभी 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रखेंगे, अभी हमने फ्लेम ऑफ किया है यहाँ पर। तो जब तक वो हमने जो वो मिक्सचर बनाया था वो रेस्ट होने के लिए रखा है अभी 10 मिनट तक, तो मीनवाइल हम लोग यहाँ चटनी का सामान देखते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये हाफ़ नारियल लिया है ग्रेट करके, थोड़ा सा जिंजर, हरा धनिया, 1 ग्रीन चिली, थोड़ी सी हमने गार्लिक लिया है, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर फुटाना डाल लिया है, इमली ली है यहाँ पर, एक छोटा सा पिंच हमने यहाँ पर शुगर लिया है, और स्वाद अनुसार नमक लिया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अभी ग्राइंड करेंगे। तो ये अभी रेस्ट हो चुका है 10 मिनट के लिए, और ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे, और ये अभी हमें हाथ से ऐसे मसलना है जैसे हम लोग आटा लगाते हैं चपाती के लिए, वैसे ही हम लोग सेम प्रोसीजर में इसे मसलना है। और जब आपको थोड़ा जो हार्ड फीलिंग आए, जब मसलने नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, एकदम थोड़ा ही पानी ऐड करना है, उसे थोड़ा ही वेट बनाना है और मसलना है, और उसे जैसे हम लोग चपाती का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पूरा सॉफ्ट और थोड़ा वेट बन सकता है, इसे थोड़ा पानी का इस्तेमाल करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आटा लगकर अभी तैयार है, हमने इसे अभी छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाने हैं, ऐसे थोड़ा सा हमने लेना है उसे, ऐसे जैसे हम लोग आटे का करते हैं वैसा ही हमने करना है, चपाती बनाते हैं वैसे ही गोला बनाना है पेड़ा जैसा, और थोड़ा सा उसे प्रेस करना है ऐसा, और जब पानी लेना है थोड़ा सा फिंगर पर, और उसे ऐसा होल करना है बीच में,
जैसे आप लोग देखते हैं जैसे मेदू वड़ा भी होता है उसे उस स्ट्रक्चर में हमने ये बनाना है। जैसे उसको मिडल में छेद होना चाहिए ऐसे, और इसे बाद में हमने साइड से ऐसे शेप देना है। ऐसे साइड से वो फूटना नहीं चाहिए, पूरा अच्छा सा गोल बनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये परफेक्टली बनकर अभी तैयार है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने ऐसे गोल गोल पेड़े बनाकर अभी रेडी किया है। तो अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हमने ऐसे डालने हैं, ज़्यादा ओवर क्राउड भी नहीं करना है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें ये अच्छी तरह से पककर फ्राई करके निकालना है। एक कलर ऐसा एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, ये कलर हमें ऐसा कलर हमें देखना चाहिए, और तभी वो क्रिस्पी बनता है। ब्राउन कलर गोल्डनिश ब्राउन होते हैं तब। तो थोड़ी देर के बाद हमें इसे टर्न करना है। अभी क्रिस्पी राइस वड़ा बनकर एकदम तैयार है। कलर आप लोग देख सकते हैं गोल्डनिश ब्राउन आया है यहाँ पर सर के, एकदम बेस्ट। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट वड़ा हमने बनाकर रेडी की है। ये रेसिपी ज़रूर आपके घर में बनाकर एक सबको पसंद आएगी, और हमें कमेंट्स में बताओ आपको ये कैसी लगी। तो ऐसी और रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पर ऐसे ही हमें सपोर्ट देते रहे। थैंक यू।